वंस अगेन वेलकम टू ऑल माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा। दिस वीडियो फॉर स्टेटर वन सब्जेक्ट मैथमेटिक्स रिवीजन 21। मेरे प्यारे बच्चों, बीच में मैं रिवीजन देना छोड़ दिया था, तो आप लोगों को पता चला होगा कि न्यू टॉपिक हम पर आए थे। तो मैं एक चीज़ और फिर से बताना चाह रहा था कि मैथ्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आज मैं बताने वाला हूँ उसका रिवीजन करवाओ, जो आपको इससे पहले हम इसके बारे में बता चुके हैं। आज हम बताएंगे आपको आफ्टर AFTER आफ्टर एंड बिफोर नंबर। क्या बताएंगे? आफ्टर एंड बिफोर नंबर। चलिए सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं आफ्टर मीन्स क्या होता है, फिर से बता दूं। आफ्टर मीन्स होता है बाद के बाद, और बिफोर मीन्स क्या होता है? पहले। बिफोर मीन्स क्या होता है? पहले। तो चलिए एक और एक नंबर के पहले जैसे बताएंगे कि 10 या 16 जैसे लिखेंगे, राइट द जस्ट आफ्टर नंबर। क्या है जस्ट आफ्टर नंबर? एक तीन चार क्वेश्चन देंगे, कुछ एग्जांपल लेके समझते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, तब आप लोगों को समझ में भी अच्छी तरीके से आएगी। तो आप बताइए 98 का आफ्टर नंबर, मतलब कि 98 के बाद वाला नंबर क्या है? तो 98 के बाद क्या होता है? 99 क्या होता है? 99। 24 के बाद वाला नंबर क्या होगा? 24 के बाद 24 है, और 24 के बाद क्या होगा? 63 है। 63 का आफ्टर नंबर मतलब बाद वाला, तो 63 का बाद वाला नंबर होता है 64। 59 है, 59 के बाद वाला नंबर कितना होगा? 59 के बाद क्या होगा? 60। ये क्या है? आफ्टर। इसको क्या कहते हैं? आफ्टर नंबर। तो चलिए कुछ बिफोर नंबर का सर कुछ एग्जांपल से हम लोग समझेंगे, चले ले लेते हैं। आफ्टर को मिटा दी, इरेज कर दी, अब बिफोर BEFORE बिफोर। फॉर एग्जांपल इसका भी ले लेते हैं। अब देखिए बिफोर मतलब क्या है? पहले। बिफोर मतलब क्या है? पहले। तो देखिए 33 का से पहले, 33 से पहले क्या होगा? 32। तो 3 से पहले क्या होगा? 2 होता है, होता है ना, बोले 3 से पहले 2। अब देखिए 69 क्या है? 69, और 69 से पहले क्या होगा? 68 होगा। 9 से पहले क्या होगा? 9 से पहले 8 होता है। 56 है, 56 है लास्ट में, तो 6 से पहले तो 50, और 6 से पहले क्या? 5। तो 55। बिफोर मतलब क्या? पहले। तो पहले वाला नंबर बताना है। नहीं, 75 क्या है? 75। तो 75 है ये लास्ट में, तो देखिए 70 कितना लास्ट में? 5 से पहले क्या होगा? 4 क्या होगा? 74। तो यह था बिफोर नंबर। क्या था? बिफोर नंबर। तो इसका आप लोग घर पे क्या कीजिए? प्रैक्टिस कीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए, या आपका एग्जाम पर्पस है, हो सकता है कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको कहीं पे कोई पूछता है, रिलेटिव में जाते हैं या कोई एग्जाम में आता है, तो इस तरीके से आप अच्छे तरीके से क्या कीजिए? सॉल्व कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर टुडे।